एंड गाइस, तो हम होशियारपुर की तरफ जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए, वेलकम बैक टू कैलाश के ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैलाश के ब्लॉग्स में और के एस आर ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं मेरी बहन का एडमिशन कराने। तो फिर पता करके आएंगे अभी कॉलेजेस में कि किस कॉलेज में बढ़िया है और कौन सा कॉलेज जाएंगे हम, वो आपको रास्ते में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं अभी, ये देख सकते हैं, और अभी दिखाएंगे आपको कि कहाँ हमें किस कॉलेज में जाते हैं। एंड तो चलिए शुरू करते हैं। एंड गाइस, तो फिर सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीट बेल्ट ही है जो आपको बचा सकती है। ये देख सकते हैं, चलो चलो। एंड गाइस, तो सड़क पार कर ली हमने और हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ चलानी चाहिए गाड़ी। एंड तो ये ट्रक आए हैं कणक के, जो कि आजकल कटी हुई है पंजाब में, और ये सरकारी गोदाम में वो उतारी जाएगी, और साथ में इधर जाम बहुत लग रखा है ये ट्रकों की वजह से। ये देख सकते हैं आप, इन ट्रकों के पिछली साइड FCI गोदाम है, जहाँ पे कि कणक जमा होगी और उतारी जाएगी, एक ही बात है। सो ये देखो, सारा जाम लगा दिया। एंड एक जाम तो इस ट्राली ने लगाया पड़ा था, ये देखो, ये देखो राह। एंड ये देख सकते हैं आप, यहाँ से शुरू होता है टांडा, और आजकल गर्मी बहुत है, सो इसलिए अपना ध्यान रखिए। एंड गाइस, तो हम होशियारपुर की तरफ जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए गाइस, तो हम आ चुके हैं सरा, और कॉलेज है अभी पीछे सरा, हम आगे आ गए थे थोड़ा। ये देख सकते हैं सरांग का बस स्टैंड और ऑटो रिक्शा। गाइस, तो देख सकते हैं आप, हम अभी इधर को आ चुके हैं। तो गाइस, तो हम आगे पहुंच चुके थे, ये क्या लिखा, बट कॉलेज यहाँ पे है, पब्लिक खालसा कॉलेज लड़कियाँ। ये देख सकते हैं, अभी देखते हैं, चलते हैं हम घर को। तो गाइस, देखो कॉलेज दे भी हुई, हम दूसरे कॉलेज आए, कॉलेज भी नहीं है, स्कूल के साथ ही कॉलेज है। एंड तो इधर टांडे में आ गए, अब घूम फिर के बट पूछ के चले जाएंगे, ये बहुत टाइम लगा रहे हैं। ओके गाइस, मिलते हैं आपको बाद में। एंड फ्रेंड्स, तो पूछना तो मेरी बहन के लिए, बट मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, इधर करना पड़ता है घर वालों के लिए। चलो फिर, कोई नहीं, पूछते हैं एंड फाइनल करके जाते हैं कहीं ना कहीं। गाइस, इधर का प्राइस सुन के हमारे होश उड़ गए, बट उधर से ज़्यादा थे जहाँ हम पहले गए थे ना, उधर से कम मतलब 10,000 ज़्यादा ही थे इधर के प्राइजेस। तो फिर क्या कर सकते हैं, अब कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। एंड अभी हमारी खोज जारी है, पर आज नहीं खोजेंगे हम ज़्यादा दूर, अभी घर जाते हैं। तो गाइस, तो हम घर आ चुके हैं, और अभी बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई पंजाब में, पंजाब के कोने कोने में, मतलब बहुत ही हीट वेव्स फैल रही है। और आप सभी घर के अंदर रहिए, और ऐसे कहना चाहता हूँ मैं, हम कार में गए थे बट फिर भी एसी की हवा तो कुछ काम ही नहीं कर रही थी इस कार में, एसी की हवा लग ही नहीं रही थी। तो फिर हमने इधर शीशे खोल लिए, एसी बंद कर लिया, तो थोड़ी बहुत ही हवा बाहर की आई। और फिर क्या कहते हैं, आप सभी धूप से बचे रहिए, और अभी हम फिर से कॉलेज नया ढूँढ सकते हैं मेरी बहन के लिए, क्योंकि जो दोनों कॉलेज पूछे थे उनमें फ़ीस बहुत ज़्यादा ज़्यादा थी, तो
तो फिर अभी तीसरा कॉलेज भी ढूंढेंगे और जिन जिसमें से मतलब सबसे कम फीस लगेगी उसमें हम एडमिशन करा देंगे ना। बाकी देखते हैं क्या होता आगे जाके, एंड जहाँ पे किस्मत लिखी होगी वहीं पे जाना पड़ेगा। तो गाइस मैं आजकल ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम ही है और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है कॉलेज का, तो फिर मैं थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहा हूँ। और बस इतना ही कहना था, और आप कैलाश के ब्लॉग्स को ऐसे भी सपोर्ट करिए, फॉलो करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।